नमस्कार, रूस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इश्क छुपता नहीं छुपाने से योगी जी, इसके चलते कुछ गिरफ्तारियां हो गई हैं देश भर में, यानी 5 ऐसे बड़े अपराधी गिरफ्त में आ गए हैं जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। इसके चलते यूपी पुलिस की वाहवाही भी होने लगी। पूरा देश, पूरा सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ यूपी सरकार और यूपी पुलिस को शाबाशियां देने में जुट गया है। आखिर ये बड़े अपराधी है कौन? प्रशांत कनोजिया, जो कि एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, 6 तारीख को सुबह 4 बजे न जाने इनको क्या सोचता है, उठते हैं, ये एक ट्वीट कर डालते हैं। ट्वीट पे ये लिखते हैं, इश्क छुपता नहीं छुपाने से योगी जी। बस फिर क्या था, एक वीडियो भी इसके साथ चला जाता है। वीडियो में एक महिला अपना प्रेम व्यक्त करती हुई नजर आती है योगी जी के लिए। वो ये कहती हैं, हम बड़े परेशान हैं, योगी जी को हम मिलना चाहते हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहते हैं और उनको हम ये पत्र देना चाहते हैं जिसमें हमने साफ तौर पर लिख दिया है कि क्या योगी जी हमसे शादी करना चाहते हैं या फिर नहीं। पिछले 1 साल से हम और योगी जी दोनों ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारी प्यार भरी बातें हमारे बीच में होती हैं और हम ये चाहते हैं, हम ये स्पष्ट कर लेना चाहते हैं, क्या योगी जी हमारे साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहेंगे या फिर नहीं, क्या वो हमसे शादी करेंगे या फिर नहीं। बस ये एक ऐसा वीडियो और ट्वीट था जो प्रशांत कनोजिया ने अपने ट्विटर पेज पे डाल दिया। उसके बाद अगले दिन यूपी पुलिस दिल्ली पहुंचती है प्रशांत कनोजिया जी के घर। वहां जाके उनको जबरन गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना अरेस्ट वारंट के। उनकी पत्नी को यह नहीं बताया जाता है कि आखिर उनको गिरफ्तार क्यों किया गया। सिर्फ उनको यह कहा जाता है कि योगी जी के खिलाफ इन्होंने कुछ अपमानित शब्द अपने ट्विटर हैंडल में डाले हैं जिसकी वजह से इनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं। गाड़ी सीधे लखनऊ जाके रुकती है, वहां पे उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाता है। इसके साथ साथ नोएडा से नेशनल लाइफ नामक एक चैनल के 2 एम्प्लॉयज को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं तक बात नहीं रुकती है, गोरखपुर जो कि योगी जी की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां के 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहां पर भी जो गिरफ्तारियां हैं वो रुकती नहीं है, 6 और लोगों के ऊपर FIR दर्ज करी जाती है। उन 6 में से 3 को गिरफ्तार कर 14 दिन के लिए हिरासत में भेज दिया जाता है। ये पूरा मामला इंटॉलरेंस का है। इंटॉलरेंस कुछ ऐसे नेताओं का जो खुद को सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं पूछ सकते हैं, उनके खिलाफ आप बोल नहीं सकते हैं, उनके सरकार की खामियां या फिर मजाक भी उनके साथ नहीं कर सकते हैं। योगी जी एक पहले CM नहीं है जिनके चलते इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन हाँ, एक पोस्ट के चलते इतनी सारी गिरफ्तारियां होने का मामला ये पहला है। इससे पहले भी, यानी 2018 से 2019 तक, इस 1.5 साल में अगर आप देखें तो 22 मामले ऐसे दर्ज हुए हैं, 22 लोगों के ऊपर FIR हुई है, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें सिर्फ BJP ही शामिल नहीं है, इसमें तमाम और राजनीतिक पार्टियां भी हैं, जैसे कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से, या फिर आप HD कुमार स्वामी की बात करें जो कि जनता दल सेक्युलर से आते हैं। अगर इसके बाद नवीन पटनायक जी जो बीजू जनता दल के हैं, कांग्रेस पार्टी और भी कई सारी पार्टियां हैं जिन्होंने इंटॉलरेंस बिहेवियर अपना रखा है, यानी अगर आप इनके खिलाफ कुछ लिखें या फिर बोलें आप गिरफ्तार जरूर होंगे। अब इससे पहले हम इस कहानी के अंदर और आगे जाएं, आप जरा देखिए इनके ऊपर चार्जेस क्या क्या लगे हैं। प्रशांत जी, जिनको दिल्ली से यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, सबसे पहला चार्ज है मानहानि का। मानहानि का जब चार्ज किसी के ऊपर लगता है तो पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले कोर्ट से एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, यानी एक ऑर्डर लेना पड़ता है कि इस शख्स ने इनके साथ मानहानि करी है, क्या हम इसको गिरफ्तार कर सकते हैं। जब कोर्ट ऑर्डर देता है उसके बाद ही उस शख्स को गिरफ्तार करा जा सकता है। जब यूपी पुलिस दिल्ली पहुंची, यानी प्रशांत कनोजिया जी के घर पहुंची, तब यूपी पुलिस के पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था। यूपी पुलिस ने कोर्ट से पहले से ही क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लिया था, यानी ये गिरफ्तारी ही एक तरह से सवालिया निशान खड़ा करती है। यूपी पुलिस का जो दूसरा दावा है वो है कंप्यूटर प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करना, यानी कंप्यूटर को तोड़ना, मरोड़ना, उसके और नुकसान पहुंचाना। एक ट्वीट जिसमें सिर्फ ये लिखा है, प्यार छुपता नहीं छुपाने से योगी जी, वो किस तरह से कंप्यूटर को तोड़ सकता है, सोचने की बात है। ये भी इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं। एक और जो चार्ज लगा है वो और ज्यादा गंभीर है, अश्लील बातें फैलाना या फिर ये जो पोस्ट है वो अश्लील है।
या तो आप ये कहें जो वो महिला वहां पे खड़ी है जो बोल रही है वो अश्लील थी, या फिर जो लोग हैं वहां पर जो माइक पकड़े खड़े हैं वो अश्लील थे, या फिर वो चार शब्द जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है प्यार छुपता नहीं छुपाने से योगी जी, क्या वो अश्लील है? इसमें कहीं पर भी आपको अगर अश्लीलता नजर आती हो तो कृपया कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें ताकि हम भी समझ लें कि अश्लीलता होती क्या है। यहीं तक इनके ऊपर इल्जाम नहीं खत्म होते हैं, इनके ऊपर एक और इल्जाम लग जाता है, सांप्रदायिक दंगे फैलाना या फिर सांप्रदायिक झगड़े फैलाना। सोच के देखिए, एक पोस्ट जिसमें एक वीडियो है और चार लाइन लिखी है जिसमें आखिर में योगी जी लिखा जाता है, सिर्फ योगी जी लिखने से सांप्रदायिक दंगे कैसे फैल सकते हैं या फिर पनप सकते हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। हो सकता है आप लोग को समझ में आए तो आप शायद हमें समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सवाल यूपी पुलिस और यूपी सरकार दोनों से ही है। इसके बाद नोएडा बेस्ड एक चैनल है जिसका नाम है नेशनल लाइव, वहां पर कार्यरत दो लोग अनुज शुक्ला और इशिका सिंह, इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके ऊपर फॉर्जरी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। कहा यह गया कि इनके पास लाइसेंस नहीं था इस वीडियो को अपने चैनल में चलाने के लिए। गिरफ्तारी यहीं तक नहीं रुकती है। गोरखपुर के दो लोग पीर मोहम्मद और धर्मेंद्र भारती, इन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक फेक वेडिंग कार्ड पोस्ट कर डाला जिसमें यह लिखा गया था योगी जी और वो महिला जो वो वीडियो में दिखती हैं उन दोनों की शादी हो रही है, आप सभी को निमंत्रण है। इनको भी अरेस्ट कर लिया गया। मजाकिया पोस्ट था लेकिन अरेस्ट कर लिया गया। इनके ऊपर चार्जेस क्या क्या लगे आप ये देखिए। आपराधिक धमकी देने का इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, जनता की शरारत का इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, कंप्यूटर के जो दस्तावेज है कंप्यूटर के द्वारा उनको छेड़छाड़ करने का दावा किया गया है, उसके अलावा कंप्यूटर को तोड़ मरोड़ने का भी इनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। यह मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रशांत कनौजिया को इमीडिएटली बेल पर रिहा किया जाए। इनके ऊपर ऐसा कोई मामला है ही नहीं जैसे कि मर्डर का मामला हो कि आपने जाके उनको गिरफ्तार कर लिया, वो भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाकर। एक ट्वीट था, इस ट्वीट को इस तरह से ही छोड़ देना चाहिए था। ये एक फंडामेंटल राइट है, उन्होंने अपनी बात रखी, वो कुछ कह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे जाके उनको गिरफ्तार कर लें। यूपी पुलिस को और यूपी सरकार दोनों को ही बहुत ज़्यादा फटकार लगी है आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहीं तक सुप्रीम कोर्ट नहीं रुका, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर फंडामेंटल राइट्स के आड़े आएगा हम चुपचाप आंख मूंद कर नहीं बैठेंगे, हम बोलेंगे और हम सख्त लहजों में बोलेंगे कि आप इस तरह की गतिविधियां नहीं कर सकते हैं। प्रशांत कनौजिया का ये एक ऐसा मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं जिसकी वजह से लोगों को महीनों महीनों जेल की हवा खानी पड़ी। ऐसा ही एक मसला है मेरठ से, जहां पर 16 साल का छात्र जिसका नाम है अलीन अहमद, इन्होंने एक पोस्ट डाला अपने फेसबुक पर, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बाबरी मस्जिद को लेके। ये पोस्ट इतना ज्यादा वायरल हुआ कि इसके खिलाफ कुछ लोगों ने केस कर दिया। केस के बाद इनके ऊपर कई सारे संगीन आरोप लगाए गए और इस छात्र को 40 दिन तक जेल की हवा खानी पड़ी। जेल से बाहर आने के बाद भी इनकी परेशानियां कम नहीं हुई। जितने भी आस पड़ोस के लोग थे, जो दोस्त थे, उन सभी ने इनसे मुंह मोड़ लिया। गाँव के अधिकतर लोगों ने इनको किनारा कर दिया। साहब खुद MBBS करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट की कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं। इनको ये डर लगा रहता है कहीं ये जो केस है इनकी डिग्री पर असर ना दिखाए। ये एक इकलौता एग्जाम्पल नहीं है। वेस्ट बंगाल की अगर आप बात करें, प्रियंका शर्मा नामक एक BJP एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे एक मीम डाला ममता बनर्जी के खिलाफ, उसके चलते उनको गिरफ्तार किया गया। 5 दिन तक इनको जेल में ही रहना पड़ा। वहीं तक बात नहीं खत्म होती है, उड़ीसा की ये बात है। अभिजीत अय्यर मित्रा नामक एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कोणार्क सन टेम्पल के बारे में एक पोस्ट डाला, उसके चलते उनको गिरफ्तार करा गया। उनके खिलाफ संगीन आरोप लगाए गए जैसे कि मानहानि, दंगा फैलाना, क्रिमिनल चार्जेस, दुश्मनी निकालना वगैरह वगैरह, और इनको 44 दिनों तक जेल की हवा खानी पड़ी। वहीं तक बात नहीं रुकती है, कर्नाटका में विश्वेश्वर दत्त नामक एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने HD देवगौड़ा के जो बेटे हैं HD कुमारस्वामी, उनके खिलाफ एक पोस्ट डाला। उनको ये कहा गया कि एक होटल में इन्होंने हुड़दंग मचाया जिसके चलते इनको भी गिरफ्तार
कर लिया गया था और इनके खिलाफ भी चीटिंग, मानहानि और क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे। इसके बाद एक बहुत बड़ा नाम नकिरण गोपाल, यानी नकिरण गोपाल वो शख्स जिन्होंने नकिरण पत्रिका की शुरुआत करी थी। इनके एक चैनल भी है नकिरण के नाम से, काफी रेप्यूटेड चैनल, रेप्यूटेड पत्रिका है। इन्होंने एक सीरीज चलाई थी बनवारी लाल पुरोहित जी के खिलाफ, उसके चलते इनको भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद ये मसला इतना ज़्यादा उछला, तमाम टीवी चैनल्स इनके साथ खड़े हो गए थे, जितना भी जर्नलिस्ट था तमिलनाडु का सब सड़कों पर था। इनको मजबूरन सिर्फ 2 से 3 घंटों में इनको रिहा करना पड़ा था तमिलनाडु पुलिस को। मसला चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, एक इंसान के बोलने की आज़ादी उसको मिलनी ही चाहिए, उस इंसान के बोलने की आज़ादी उससे कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन एक इंसान को खुद से समझना भी चाहिए कि वो क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है। जब वो सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहा है तो उसको सोच समझ कर लिखना चाहिए कि कहीं ये किसी को आहत ना पहुंचाए, कहीं ये किसी को दुख ना पहुंचाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटे मोटे जो हास्य ट्वीट हैं इस तरह के, इसके लिए एक पुलिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंच जाए और उनको गिरफ्तार कर ले। ये भी एक तरह से एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को घोटने का ही एक दृश्य नजर आता है। सरकार को और लोगों को दोनों को ही सोच समझ कर एक चीज पे एक्शन लेना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए, ताकि जो जेन्युइन मामले हैं, जो जिन पे बात होनी चाहिए, जिन पे डिबेट होनी चाहिए, वो कहीं ओझल ना हो जाए। यानी ऐसे ट्वीट जो मजाकिया जरूर लगते हैं, लेकिन जो जेन्युइन मसले हैं, जो ओरिजिनल बातें हैं जिनके ऊपर बातचीत करनी चाहिए इन राजनेताओं को या फिर मीडिया कर्मियों को, उससे बात स्विफ्ट हो जाती है, कहीं और शिफ्ट हो जाती है और मसला कहीं का कहीं पहुंच जाता है। आशा करते हैं आप भी जब कभी कोई पोस्ट डालें, कुछ लिखें, तो सोच समझ के लिखें, अच्छे से कायदे से लिखें, किसी को हर्ट करने के जैसे, किसी को आहत पहुँचाने वाला कोई पोस्ट ना डालें। और ये भी हम आशा करते हैं जो भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनेता हैं, वो इंटॉलरेंस जो उनमें इतना कम हो चुका है उससे थोड़ा सा बाहर आएंगे, एक मजाक को मजाक में लेंगे और इन जैसी घटनाओं से थोड़ा सा बचेंगे। बने रहे हमारे साथ दुरुस्त न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।